हिंदुस्तान में हॉरर फिल्मों के लिए 80 का दशक बेहतरीन माना जाता है। पुराना मंदिर और बंद दरवाजा जैसी फिल्में आज भी टीवी पर आती हैं, डॉट टू हाई टीआरपी दर्ज होती है। हालांकि ये बात अलग है कि अब उसे हॉरर मूवी कम कॉमेडी फिल्म ज्यादा माना जाता है। बॉलीवुड के उस दौर के भूत भी सेठ थे। लंबी कटकाठी वाले कलाकारों को ही मेकअप करके भूत बना दिया जाता था। भूतों और खूंखार विलेन के रोल के लिए डायरेक्टरों की पहली पसंद हुआ करते थे अनिरुद्ध अग्रवाल। अनिरुद्ध अग्रवाल के करियर में बंद दरवाजा, पुरानी हवेली जैसे सुपरहिट हॉरर फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा अनिरुद्ध ने बैंडिट क्विन में भी अहम किरदार निभाया था। अनिरुद्ध की कटकाठी ही उनके पॉपुलरिटी का कारण थी। हॉरर फिल्मों का दौर खत्म हुआ तो अनिरुद्ध अग्रवाल ने छोटे पर्दे की तरफ रुख किया, लेकिन वहाँ भी उनको कुछ खास हासिल नहीं हुआ। कुछ एक सीरियल्स में नेगेटिव किरदार मिले, लेकिन धीरे धीरे वे भी कम होता चला गया। अनिरुद्ध पिछले 7 सालों से छोटे बड़े पर्दे से गायब हैं। आखिरी बार वो फिल्म मलिका में दिखाई दिए थे 2010 में। एक लंबी चौड़ा कटकाठी के कलाकार ने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब वो अपना बिजनेस चलाते हैं और पूरा समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं। अब उनकी तस्वीरें देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी नई तस्वीरें आई थीं।